मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। ठाणे शहर से एक शर्मसार कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां दबंगों ने एक युवक को सड़क पर नंगा करके पिटाई की है। दबंगों का दिल जब युवक की पिटाई से नहीं भरा तो इन लोगों ने उसकी शर्ट पैंट उतरवा दी, यहां तक कि उसकी अंडरवियर भी उतरवा दी और उसकी पिटाई की। हालांकि पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को जरूर पकड़ लिया है, मगर और आरोपी अभी फरार बताए जा रहे हैं। ठाणे के वागले स्टेट के श्रीनगर पुलिस स्टेशन की हद में ये घटना हुई है और इस घटना को अंजाम हिस्ट्री सीटर विकी भोसले के गुंडों ने दिया है और इन गुंडों की संख्या 5 बताई जा रही है। इलाके में दहशत कायम रखने के लिए गुंडों ने पहले इस 24 वर्षीय युवक को कान पकड़वा कर उठक बैठक करवाई, फिर उसे नंगा करके सड़क पर पिटाई की ताकि उनका डर यहां बना रहे। हालांकि ये घटना 12 जून की है, मगर वीडियो 20 जून को सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हुआ। हालांकि इस वीडियो को पहले अलग रंग देने की कोशिश की गई, इसे चेन स्नेचिंग का मामला बताया गया, मगर पुलिस ने जब इसकी पड़ताल की तो कुछ और ही मामला सामने आया। वीडियो की पड़ताल जब श्रीनगर पुलिस ने शुरू की तब सबसे पहले पीड़ित युवक की तलाश शुरू की गई और ठाणे के श्रीनगर पुलिस की हद में पीड़ित युवक मिला, जिसने पुलिस को आप बीती सुनाई। युवक ने पुलिस को बताया कि गुंडों ने जबरन उससे कहलवाया कि विकी भोसले बॉस है और नंगा करके उसके साथ मारपीट भी की। हालांकि पुलिस दो आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार कर ली है और बाकी के फरार आरोपियों की तलाश कर रही है, मगर वहीं ये भी सवाल उठ रहा है कि युवक की पिटाई होती रही मगर कोई भी बीच बचाव करने नहीं आया। महाराष्ट्र के ठाणे शहर में इस घटना ने सबको झकझोर दिया है। सिर्फ दबंगई कायम रखने के लिए किसी युवक को नंगा करके सड़क पर पीटना किसी मॉब लिंचिंग से कम नहीं है। वहीं पुलिस ने इस घटना में IPC की धारा 307 के तहत शिकायत दर्ज कर ली है और साथ ही दो आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है और फरार आरोपियों की तलाश जारी है। इस पूरी घटना पर ACP प्रकाश नीलेवाड ने क्या जानकारी दी है, सुनिए। नीलेवाड साहब, एक शख्स को यहाँ ठाणे में लोगों ने पूरी तरह मारा, मारने के बाद उसके कपड़े निकाले और उसको नंगा करके पीटा गया। ये पूरी घटना कब की है, इसके पीछे वजह क्या थी? 20 जून 2020 को एक क्लिप वायरल हो गई थी कि एक 5-6 लड़के एक शख्स को मार रहे हैं और विक्की भोसले मेरा बॉस है ऐसा उसके कह रहे थे और पीटते पीटते उसके कपड़े उपड़े निकाल के नंगा करके मार रहे थे और ये क्लिप वायरल हो गई थी। फिर इसकी हम लोगों ने छानबीन की, बाद में इसका जो कंप्लेनेंट है उसको हमने ढूंढ के निकाला। कंप्लेनेंट है उसमें प्रथम ऋषि चौहान बोल के 18 साल का लड़का है, वो भटवाड़ी किशन नगर 3 में रहता है, श्रीनगर में, वागड़ी स्टेट श्रीनगर किशन नगर का एरिया है। और उसको जो मार रहे थे वो जो 6 लड़के दूसरे जो है उसमें से मारने की वजह ऐसी थी कि सागर रमेश रावल बोल के एक क्रिमिनल ही है, उसके ऊपर एक केस है पहला, और ये कंप्लेनेंट के साथ रहता था। और जो सागर रमेश रावल है कि जो विक्की भोसले का नंबरकारी था, विक्की भोसले कुख्यात गुंड है, 67 केसेस उसके ऊपर है और उसका ये नंबरकारी था। तो अभी विक्की भोसले और ये सागर रावल का जमता नहीं और ये जो कंप्लेनेंट प्रथम चौहान जो है ये सागर रावल के साथ घूम रहा था, इसका जो गुस्सा है इसका ये विक्की भोसले के एसोसिएट लोगों को आया और फिर ये लोगों ने इसके घर से लेके गए और भटवाड़ी मानवता हॉस्पिटल है उसके गली में एक डेयरी है, वहाँ डेयरी के वहाँ जो दुकानें बंद है अभी, वो शटर को उसको पैरी पे बिठाया और उसको ये लोग मारना चालू कर दिए पहला और उससे कहवा रहे थे कि आप विक्की भोसले मेरा बॉस है बोलो, और वो बोल रहा था कि विक्की भोसले मेरा बॉस है और ये लोग उसको मार रहे थे। बाद में ये लोगों ने उनके उसके कपड़े निकाल दिए, कपड़े निकल के भी उसको बहुत मारा, उसके गुप्ताओं पे पेट पे पीठ पे बहुत लाता मारा ये लोगों ने, तो इसलिए इनके ऊपर राइटिंग और 307 का केस ऐसा रजिस्टर किया गया है। उसमें जो आरोपी है
स्वप्निल उर्फ गुड्डू गायकवाड़, मानव उर्फ मन्ना चंदन शिवे, आकाश साहू, राहुल जाधव उर्फ लल्ला और एक रोहित रमेश साड़वे उर्फ कवटिया। ऐसे ये जो पांच लोग है और विक्की भोसले के कहने से ये लोग वहाँ गए, उसको घर से लेके गए और बाहर ले जाके इसको मारा गया है। इसी सिलसिले में अभी दो आरोपी अभी तक अरेस्ट किए गए, बाकी सब आरोपी हम लोग अरेस्ट करने वाले। विक्की भोसले के ऊपर 7 केसेस हैं इसके पहले, और बाकी जो आरोपी है इनके ऊपर एक दो केसेस है। इसमें से जो 5-6 में से 2 लोग तो माइनर है, जो 10वीं के एग्ज़ाम लोगों ने अभी दिया हुआ है। तो सर सवाल है कि रोड पर एक शख्स को 5-6 लोग पीटते रहे, कपड़े फाड़ दिए, नंगा कर दिए, और कोई अगल बगल कोई भी शख्स, ऐसा नहीं दुकानें बंद थी तो लोग तो रहे होंगे, किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की, एक मॉब लिंचिंग जैसा एक स्वरूप देखने को मिला कि एक लड़के को पकड़ के लाए, उसको पीट रहे हैं, ये मॉब लिंचिंग ही कहेंगे ना? इसमें ये जो लॉकडाउन का टाइम है और वो कंटेनमेंट जोन है जहाँ कोविड के पेशेंट्स है, और कंटेनमेंट जोन में सब दुकानें और सब जगह बंद था, और शाम के 4 बजे थे, 4 बजे के टाइम इसको ले जाया गया और इसको मारा गया। और ये जो बाकी जो वहाँ की जो लोकेलिटी है वो मिडिल क्लास लोकेलिटी है, कोई किसी के झगड़े में गिरने को नहीं देखता है, इसलिए कोई उसको हेल्प करने नहीं गया। बाद में इसको मारा पिटी होने के बाद यही लोगों ने उसको वापस दोसे दे के इसको छोड़ दिया। छोड़ने के बाद भी ये 6-7 दिन होने के बाद भी पुलिस स्टेशन नहीं आया था, और ये 12 जून की बात है, करीबन 8 दिन के बाद हम लोगों ने खोज के उसको पुलिस स्टेशन ले जाके उसकी कंप्लेंट हमने की। वीडियो भी जब वायरल हुआ हमें मिला, इंडिया टीवी को भी और कुछ और लोगों को मिला था, तो हमने खुद इस मामले में एडिशनल पुलिस कमिश्नर को हमने ये वीडियो प्रोवाइड किया, डीसीपी सर को प्रोवाइड किया। उसके बाद पुलिस की जानकारी में सारी बात सामने आई जब इंडिया टीवी ने प्रोवाइड किया। मसला है कि पुलिस को लोकल जो उनके इनपुट्स हैं उनके जरिए शुरुआत में इंफॉर्मेशन नहीं मिली, और लड़का खुद इतना डर गया था कि वो सामने नहीं आना चाहता था। ये तो एडिशनल सीपी कुमारे साहब ने ये क्लिप हमको दी गई थी उनसे, और उनके जो आदेश थे उनके आदेश में अमल हो जाके हम लोगों ने फिर छानबीन की। छानबीन करने के बाद ये मसला जो है, पहले तो ऐसा लग रहा था कि ये वर्तक नगर का है या काबुल बावड़ी का है, ये झोन में कौन से एरिया का है वही ढूंढने सबको बोला गया था, तो ये हमारे एरिया का निकला और हम लोगों ने इसको छान के निकाला है। क्या मॉब लिंचिंग जैसी सिचुएशन नहीं दिखती है वीडियो देखकर? नहीं, मॉब लिंचिंग नहीं है, ये तो सभी एक दूसरे के नंबरकारी है और एक दूसरे के ग्रुप गंवाने के चक्कर में ये लोगों ने किया है। और ऐसा खुकार आरोपी इसमें एक दो केसेस वाले हैं, उसमें ऐसा जो बड़े ज़्यादा केसेस है वो विक्की भोसले खाली, वो उस टाइम वहाँ नहीं था मगर वो बाहर था, उसके कहने से किया गया है। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।